प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आर्ची। क्या चल रहा है कुछ बताएंगे आज? अभी तो रखी है। हाँ, ये इसलिए रखे कि अभी जैसे जो मेरा रिया मूवी है ये पोस्ट प्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो चुका है और देन ये रिलीजिंग पे है। नेक्स्ट मंथ ये सेंसर जाएगी और नेक्स्ट मंथ से मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जू तुझा तरंगा, जो एक छक्के की ज़िंदगी पे मूवी है और ये एक अलग तरीके से एक लव स्टोरी है, जो टीन एज लव स्टोरी रहती है उस टाइप से। सपोर्टिंग में तो पूरे मार्केट के लोग हैं और मेन लीड में एलिसिया वंजारी है और भानु प्रताप सिंह है। क्या कहानी क्या है? ये कौन सी मूवी की बात कर रहे हो आप? रिया की? ये इसका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आज तक ऐसा मैंने मार्केट में कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे एक जैसे छक्के जो किन्नर लोग बोलते हैं उनके लाइफ पे ये मूवी है और एक 16-17 साल के बच्चे का इसमें किरदार है और एक जैसे टीन एज लव स्टोरी रहती है उस टाइप से लव स्टोरी है। एक पागलपंथी बताइए इस मूवी में। जैसे कि आपने रिया फिल्म पूरी कंप्लीट कर ली है, तो उसकी रिलीजिंग का क्या प्लान है और ये फिल्म कब शुरू करने वाली है? एक्चुअली तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी हम हैं और तो ये वर्ल्ड वाइज रिलीज कर रहा है मुझे रिया मूवी भी। एक मेंटली रिटायर्ड मूवी के बच्चों के ज़िंदगी पे है ये, जो एक रियल कॉन्सेप्ट है ये जो भी है। स्टार कास्ट में रिया में तो मास्टर राजू है, रमेश गोयल जी है और क्या नाम है उनका, अशोक त्यागी जी है और बहुत से मार्केट के लोग हैं इससे जुड़े हुए। आप डायरेक्शन में क्यों हाथ डाल मार रही हैं? आप तो खुद एक्टिंग कर सकती हैं। मुझे डायरेक्शन अच्छा लगता है, जो भी है प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। एक्चुअली फ्रेशर को मैं पूरा प्रिपेयर भी कराती हूँ और उसके बाद में उनको काम भी देती हूँ, जितने भी फ्रेशर्स रहते हैं उनको। दोनों में भी एक्चुअली तो जो मार्केट के बंदे तो उनमें तो एक चैलेंज नहीं रहता कुछ भी, लेकिन जो फ्रेशर बंदों को अगर प्रिपेयर करके अगर उनको सिखा के अगर उनको अच्छे से कराते हैं तो एक चैलेंज रहता है, क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन देना बहुत बड़ी बात है। तो नई फिल्म जो इसका लोकेशन क्या होगा, शूट कहाँ होगा? ये पूरा मोस्टली नागपुर में शूट होगा इसका, जो भी मूवी का है। डायरेक्शन आप ही कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्शन मैं इसमें कर रही हूँ और राइटर भी मैं ही हूँ इस मूवी की। कितना टाइम लग गया आपको कहानी तैयार करने में? मिनिमम 1 मंथ, 1-2 मंथ। और गाने किस तरह के होंगे इसमें? शूटिंग हो गई, गाने के रिकॉर्ड हुए? गाने रिकॉर्डिंग शुरू है अभी गाने की और शूट तो इसका पूरा नागपुर में जाएगा, नेक्स्ट मंथ से जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे लेवल पे है, जो जो किन्नर के जो कैटेगरी है उनको लोग अपनाते नहीं हैं, तो ये कॉन्सेप्ट से एक लोगों को एक प्रेरणा मिलेंगी और मैं चाहती हूँ कि इसको सब पसंद करें। तो इसमें रियल किन्नर होंगे कि आप बनाएंगे? नहीं, उनको बनाया जाएगा, कुछ रियल किन्नर भी रहेंगे। जो लास्ट सीन है मेरा तो उसमें रियल वाले ही आएंगे सभी किन्नर, और जो एक जो कैरेक्टर कर रहा है वो उसमें बनाएंगे उसको। थैंक यू। पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज एलिसिया वंजारी। क्या फिल्म में मेन किरदार है? आई एम प्लेइंग रोल ऑफ रिया। मैंने सुना है आपने रिया में बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की, इसकी वजह से आपको सराहना बहुत मिल रही है, इसके पीछे का श्रेय किसको देने? मम्मा को। तो मम्मा ने आप पे कितनी मेहनत की है? बहुत ज़्यादा, आई थिंक 3-4 महीने उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली सिखाया है। तो मतलब आपको आर्टिस्ट बनाने में आपके पीछे मम्मा का हाथ है। अभी आपने रिया फिल्म कर ली है तो क्या एक्सपीरियंस मिला आपको फिल्म करने में, कुछ उसके बारे में? मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके साथ जो बच्चे थे उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है, तो आप कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा बोल्ड अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो? जी, सबके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई, न्यू लोग से मिलना सीखे, बात करने का अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया। तो कहीं पे आपको कोई ऐसी जो आपको अच्छी लगी हो काम करते हुए, शूटिंग करते हुए कोई ऐसा वक्त आया हो कि जो यहाँ पे आपने अपने आप को अनफील महसूस किया हो या फीलिंग अच्छी की हो, ऐसा कुछ वाक्य बताओ? शूट पे तो सारे दिन मज़ा आता था, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, फैमिली जैसे रहते थे, सारे दिन अच्छे गए। तो
अभी आप अपनी एक्टिंग को लेके क्या सोचती हैं, कहाँ जाने वाली हैं रिया को मिली इसके बाद, क्या तैयारी करी है? जहाँ मम्मा बोलेगी वहाँ। आगे का कुछ है अभी नया कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आया है जो आप? जीव तो जय तिरंगला। अच्छा, आपको साइन कर दिया उसमें? जी हाँ। उसकी क्या तैयारी चल रही है? अभी तो वर्कशॉप चालू है एक्टिंग का। कुछ एक आध डायलॉग बोल के दिखा सकती हो? बड़ी अच्छी आप एक्टिंग कर लेती हो, याद हो तो कोई डायलॉग अभी? अच्छा, आपको एक्टिंग में कौन से अच्छे हीरो लगते हैं? मुझे कोई नहीं पसंद। कोई एक्ट्रेस कोई पसंद? कोई नहीं पसंद। दीपिका पादुकोण बस वो। तो आप ये रोज मिल रही हो? आपको मेरे लाइट की वजह से पानी आ रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसका कर रही हैं आप? मम्मा का, आज ही मैम का। बाहर से कोई आपके पास अभी ऑफर नहीं आया? आया था लेकिन मम्मा ने अलाउ नहीं किया, उनको उनको ये है कि वो खुद के प्रोजेक्ट में। सिर्फ एक्टिंग ही करना है कि कुछ सिंगिंग में भी हाथ आजमाना है? सिंगिंग में मैं आजमाऊंगी तो सब लोग भाग जाएंगे। सिंगिंग का नहीं, मुझे पढ़ाई में आगे जाना है, स्टडीज में फोकस करना है ज़्यादा। अच्छा, पहले पढ़ाई बाद में एक्टिंग? जी हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। तो नेक्स्ट फिल्म से कब शेड्यूल जा रहा है आपका? नेक्स्ट मंथ जा रहा है मे बी, आई डोंट नो। जी भानु जी, ये नेक्स्ट फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि जो फिल्म आप कर रहे हो उसके बारे में बताओ। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये मूवी एक किन्नर के इर्द गिर्द घूमती है। तो आप उसमें क्या किरदार प्ले कर रहे हो? मैंने एक किन्नर का ही किरदार निभाया है जिसको पता ही नहीं होता कि वो सच में किन्नर है। कितनी तैयारी चल रही है उसके लिए, कितना कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान दिया हुआ है? वर्कशॉप चालू है। तो मतलब कितना आप उस पर मेहनत कर रहे हो वर्कशॉप में? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ खैर, और आरजी मैम भी बहुत मेहनत करवा रही है मेरे से, बहुत हेल्प करती है, सारा कुछ यही सिखा रही है मुझे। अभी मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता था। तो अभी आप एक्टर बन गए हैं? बना नहीं हूँ लेकिन प्रोग्रेस, बनने की प्रोग्रेस चल रही है। ओके, तो कहानी किन्नर पे है, तो आप जब किन्नर का प्ले करेंगे तो कैसा प्ले हो आप उसके बारे में बताइए। जैसे कि आप किन्नर बनना है आप और आप लड़के हैं, वो तो मेकअप और मेकओवर सारी चीज़ें उसी टाइम पे मेकओवर ऐसा किया जाएगा कि वो उस तरह से लगे। मतलब आप किन्नर बनने के रेडी हो? एक्टिंग, ये तो एक्ट है, रियल में थोड़ी किन्नर बन रहा है कोई। तो और इस फिल्म में आप मेन किरदार में, मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छी एक्ट्रेस हो जो मार्केट की हो, तो उस पर फोकस कितना किया है आपने कि आप प्रेशर के साथ काम कर रहे हो? मुझे एक्चुअली कोई एक्ट्रेस की ज़रूरत है नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। मुझे एक्टिंग मतलब मैं एक्टिंग में बेसिकली था भी नहीं, मैम ने मुझे बोला कि आप इस किरदार के लिए फिट हो, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेता हूँ, इनके कहने पे मैंने इसको साइन किया है। okay. और कोशिश करूँगा कि पूरी मेहनत करूँ। और तो दर्शकों से कुछ कहोगे आप? कहना चाहूँगा कि अपना बेस्ट करो जो आप कर सकते हो। बाकी नाम बताइए। जी मेरा नाम है ज्योति वर्मा और मैं रिया मूवी का जो एक सीन बाकी है उसमें मुझे पुलिस का रोल मिला है, मैं उसमें पुलिस का रोल करूँगी। और नेक्स्ट मूवी जो है जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे सिंगिंग का वो मिला है, सिंगिंग करना। बॉलीवुड में आप एंट्री करने वाली हो सीधा बताओ। शुरुआत में मतलब एक्साइटेड होता है इंसान जब कहीं पे कुछ नया करता है और खास करके बॉलीवुड में, तो कितनी एक्साइटेड हुआ आपने, कितना पहले कुछ सोचा था कि मैं बॉलीवुड में आने वाली हूँ? जी अपनी मतलब मेहनत के ऊपर है जो तूने काम किया ना एक मूवी में, डार्क शैडो। तो बोलो ना, काम किया मैं एक हिंदी मूवी कर चुकी हूँ पहले भी, उसके बाद में अभी ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है।
मैंने अब एक मूवी में भी काम किया है जिसका नाम है द डार्क शैडो। उसमें मतलब हीरोइन का रोल किया है मैंने, और ये मेरी दूसरी मूवी है। तो आपका कुछ एम है कुछ आगे बढ़ने के लिए? आपने क्या सोचा था कि मैं ऐसे बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हूँ? प्लानिंग करके आई हैं कि डायरेक्टली आपको किसी ने ऑफर किया कि आप आइए फिल्म करें? अब वैसे तो मुझे सिंगर बनना है, और आर्ची मैडम ने मुझे कहा कि पुलिस का रोल मतलब अच्छा लगेगा, आप पुलिस के रोल पुलिस में अच्छी लगोगी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। और आगे का क्या प्लान किया है? आगे का एक्टिंग करोगी, सिंगिंग करोगी, आगे क्या करोगी? एक्टिंग तो मतलब वैसे तो मैं सिंगिंग ही करना चाहती हूँ, वैसे तो मैं सिंगर बनना है। ओके, थैंक यू। नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम प्रेम सिंह ठाकुर है। फिल्म के बारे में आना चाहें, क्या है फिल्म में कृपया कुछ बताओ। हाँ, ये रिया मूवी में कुछ मती मंदी बच्चे के हैं, उसमें काम कर रहा हूँ, और ये मेरी पहली बार फिल्म है। आरसी मैम ने इस करेक्टर में जो शूट हो रहा था उस लाइक मुझे बुलाया, और आगे तो इस लाइक समझा, इसीलिए मुझे लिया कि और तो कुछ नहीं है तुम्हें, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो चालू है तो उसमें काम जो देंगे उसमें करें। तो आप वैसे क्या करते हो अपनी पर्सनल? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। ऐसे एक्टिंग को मेरे को बचपन से था, मगर मैं इसमें हैवी नहीं गया था कहीं, और क्योंकि जॉब की वजह से मैं जा नहीं पाता था। मैं क्वेश्चन पूछूं आपका नाम? जी, मेरा नाम वैभवी है। आपका मूवी में कौन सा किरदार है? जी, एक रिया मूवी है, मैं उसमें हीरोइन के सिस्टर का प्ले कर रही हूँ, और जीव तुझा तिरंगला में हीरोइन के बचपन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, आपका मूवी में नाम क्या है? मेरा रिया मूवी में आस्था नाम है। सो आपके लाइफ गोल्स क्या है? मीन्स आपका एम क्या, आपको आगे जाके क्या बनना है? मुझे आगे जाके सिंगर बनना है। ओके, सो आपने कभी गाना गाया है? हाँ। थोड़ा गाना गा के बताओ। बताओ किस बोला मतलब गाना? कोई बॉलीवुड में अच्छा जिसको जानती हूँ या किस कार्य जिसको फॉलो करती हूँ? जी, ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं है मतलब एक्टिंग करने का शौक है, किसी को फॉलो नहीं किया? मम्मा को है। चलो ठीक है, थैंक यू। नाम बताओ ना। मेरा नाम करण पूजा करते है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यूपी के छोले कौन से फिल्म कर रहे हो? मैं रिया मूवी में एक कॉलोनी के बच्चे का रोल कर रहा हूँ। और जीतू या तिरंगला में मैं एक गांव के बच्चे का किरदार निभा रही हूँ। बहुत सारी मैम को कुछ कहो, इन्होंने तुम्हें इतना अच्छा चांस दिया। हाँ, मैं मैम से कहूँगा कि उन्होंने मुझे सिखाया है, बहुत हो गया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार पटेल है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, अभी मुंबई में रहता हूँ। इधर दीदी वहाँ से पूछ रहे हैं। आप कौन से मूवी में काम कर रहे हो? जी, मैं रिया मूवी में एक स्कूल का बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ, और जो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जा रहा है उसमें हीरोइन का भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ। आपकी एज क्या है? 18 ईयर्स। तो आपको आगे बढ़ के क्या करना है? मेरे को आगे बढ़ के एक्टिंग करना है। जी, आपकी पहली मूवी है? नहीं, मैं आ रिया मेरी पहली मूवी है, और इस नेक्स्ट जो जा रहा है वो मेरी दूसरी है। सर, आपका नाम क्या है, लोग जानना चाहते हैं? सर, इस नाकिस बंदे का नाम है डायरेक्टर के अली खान। आपका
इस टाइम रिया मूवी है, फाइनल चल रही है, फाइनल टेस्ट चल रहा है। क्या रिया मूवी के कॉन्सेप्ट कहाँ तक पहुँचा है और इस पर कितना काम हो चुका है उसके बारे में भी बताओ। असल में रिया मूवी जो है वो फाइनल हो चुकी है और थोड़ा सा पैच वर्क जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी अभी जो है सेंसर में डालने वाले हैं, यही अगले महीने से सेंसर में डाल दूँगा। रिलीजिंग कब होने वाली है? रिलीजिंग उसके बाद में है, फाइनल बताया सेंसर के बाद में रिलीजिंग डेट। कितनी मेहनत की है इसके पीछे आपने? इस फिल्म के पीछे तो शायद मैंने इतनी अपनी मूवी में भी मेहनत नहीं की, बाकी मूवी में जितनी इसमें मेहनत की है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आज तक आया ही नहीं है। रिया कॉन्सेप्ट मतलब मेंटल रिटार्ड बच्चों पर छोटे मोटे सीन तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन अब तक पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक बना ही नहीं है और इस पर मैंने इसलिए मेहनत की है। और कोई आने वाले प्रोजेक्ट हैं? मेरा आने वाला प्रोजेक्ट अभी कमबख्त इश्क है, वो पूरा हो चुका है और इसको अभी दो चार दिन में सेंसर में डालने वाला हूँ। और यही एक और मूवी है जो जिला बुलंदशहर है उसके शेड्यूल के लिए हैं, जो डाकुओं के ऊपर अभी तक 20 साल से कोई फिल्म नहीं आई है, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो और कोई नई प्रोजेक्ट शेड्यूल पे जाने वाला है, कौन सा है उसके बारे में? मैंने अभी बताया ना, जिला बुलंदशहर जो डाकुओं के ऊपर है और वो कॉन्सेप्ट में मेरी 1.5 साल से कास्टिंग चल रही है और एक अलग हट के कॉन्सेप्ट है जो अभी तक 20 साल से कोई मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए और सारे ही लोग इसमें मार्केट के हैं। और कुछ कहना चाहूँगा दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी ये रिया मूवी है अभी आ रही है ना, तो अभी तक जो है कोई मूवी ऐसी आई है मेरी नज़रों में, और ऐसे ही मेरी जिला बुलंदशहर मूवी है कि जिला बुलंदशहर मूवी अब से 20 साल पहले जैसे विनोद खन्ना जी थे, धर्मेंद्र जी थे, तो उनके आगे मेरा गाँव मेरा देश वगैरह उन्होंने बनाई थी, उनसे पहले सुनील दत्त जी थे और शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, क्यों ना ही अब तक स्टार कास्ट पैदा हुई वैसी, और मैंने इसमें 1.5 साल लगा दी कास्टिंग करते करते, एक एक आदमी चुन चुन के जो है ना मैंने इकट्ठा किया है जिला बुलंदशहर के लिए, और ये बहुत ही अच्छे लेवल। आरजी मैम ने आपको इतना सपोर्ट किया, अब यहाँ तक पहुँचा दिया आपको, तो क्या कहोगे? आरजी मैम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। और वैसे भी किसी ना किसी का पीछे सपोर्ट होता है, मेरे पीछे भी आर्ची मैम का सपोर्ट है। बात कहना चाहूँगा, इस मूवी में सबसे ज़्यादा जो है ये लड़की की मेहनत है और इसने बहुत मेहनत की है। क्या किस तरह की मेहनत है? हाँ, तो वैसे पूछने का ना कि क्या किस तरीके की है, इसने जैसे एक औरत अपना जो है ना फर्ज शादी के बाद निभाती है, एक प्रेग्नेंट होना, दर्द सहना और फिर मर जाना, जितनी तकलीफ इसने उठाई है इस मूवी में उतनी शायद ही किसी ने उठाई हो। ये सब इसके पीछे किसका हाथ था, किसने इसको इतना ट्रेंड किया, कुछ बताओ? इस सब के पीछे आर्ची मैम का हाथ है और इसकी कामयाबी के लिए बहुत कुछ मेहनत की है, और जो भी बच्चे इसमें काम कर रहे हैं दिन रात मेहनत करना, उनके पीछे बहुत लगन, खून पसीना एक कर दिया और इन लोगों को कामयाबी दिलाने के लिए आज जो इनकी एक्टिंग है वो ये आर्ची मैम की ही। जैसे अभी रिया मूवी में आप लोग काम कर रहे हो, तो अब अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जा रहा है आर्ची मैम का, उधर देखना, तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जा रहा है आर्ची मैम का, तो उसमें आप कितने एक्साइटेड हो? जो जुदुजा दंगा जो मूवी जा रहा है जी, एक्साइटमेंट लेवल की तो बात मत कीजिए, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। और आपको कैसे लग रहा है ये प्रोजेक्ट में काम करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और भानु जी आपको कैसे लग रहा है ये प्रोजेक्ट में काम करके? बहुत अच्छा। और आदित्य के साथ में आपको काम करके कैसा लग रहा है? बहुत खूब, वेरी गुड। और क्या अरे आपको क्या लगता है कि दर्शकों को ये प्रोजेक्ट आपका पसंद आया कि नहीं आया? जी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो पसंद आए, हम मेहनत ही इतना करेंगे कि लोग उसको
देखेंगे और एक बार नहीं कई कई बार देखेंगे, पलट पलट के देखेंगे। आपका जो जो अभी जो प्रोजेक्ट जा रहा है जुबिला गंगा, तो उसमें आप लोग कैसे ने किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है उसके लिए? जी अभी हमारा वर्कशॉप चालू है एक्टिंग मराठी लैंग्वेज को बराबर करने का, मराठी को बराबर सीखने का। तो मराठी पर कितनी तैयारी करी है आपने? आप बताओ, मराठी नहीं हूँ मैंने। हाँ। तैयारी चालू है और आर्ची मैम मुझे अच्छे से ट्रेन कर रही हैं मराठी में। बेसिकली मराठी नहीं हूँ लेकिन मराठी सीख रहा हूँ इनसे, और जल्दी ही बहुत अच्छी मराठी सीख भी लूँगा और बहुत अच्छे से एक्टिंग भी कर लूँगा। मराठी में जो डायलॉग्स है वो भी अच्छे से मैं कर पाऊँगा। जी बिल्कुल, टीनेज लव स्टोरी आजकल बहुत स्लो फॉर्म में है, सबको पसंद है और हम लोग भी टीनेजर्स हैं तो ऑब्वियस हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये मूवी को दर्शक पसंद करेंगे? जी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो दर्शकों को ये कॉन्सेप्ट पसंद है, हम अपनी पूरी 100% देंगे। और भानु जी, जैसे अभी ये मूवी में आपने किन्नर का किरदार निभाया है, तो जैसे किन्नर का किरदार निभाने के लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो देन आप किन्नर लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जो एक्ट उनके ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि उसमें एक रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी क्योंकि कोई नहीं पूछता कि कितना टाइम लगा, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या जाता है मूवी का, देन इज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी मैम, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको और मैं देखता हूँ उनका मतलब कैसा उनका बिहेवियर रहता है, वो सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को तैयारी भी कर रहा हूँ अपनी। और आप तो हैं ही आगे।